के पद की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मंत्री कौन भी बनना चाहता है, लेकिन आपने वो बयान तो अखबारों में पढ़ा होगा कि अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ूंगा। क्या आपके हृदय पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर केवलाल नाके में क्या कह जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को पता ही नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी से वादा किया था, मोदी जी से वादा किया था, मैं अगर सड़क पर भी खड़ा होगा होने की नहीं बताई तो सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैंने जो वादा मेरे कन्हैयालाल से कर दिया या मोदी जी से कर दिया, उसके लिए चाहे मेरी शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन नांदरी पे आए मुसीबत में मैं पूरी तरह से खड़ा हूं। जो कोई कहीं रहा हो, किसी ने वोट दिया हो न दिया हो, वो मेरे लिए सब बराबर है। वोट की राजनीति मैं आज यहां करने नहीं आया। मुख्यमंत्री के पद की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री मंत्री कौन भी बनना चाहता है, लेकिन आपने वो बयान तो अखबारों में पढ़ा होगा कि अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ूंगा। क्या आपके हृदय पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर केवलाल नाके में क्या कह जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को पता ही नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी से वादा किया था, मोदी जी से वादा किया था, मैं अगर सड़क पर भी खड़ा होगा होने की नहीं बताई तो सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैंने जो वादा मेरे कन्हैयालाल से कर दिया या मोदी जी से कर दिया, उसके लिए चाहे मेरी शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन नांदरी पे आए मुसीबत में मैं पूरी तरह से खड़ा हूं। जो कोई कहीं रहा हो, किसी ने वोट दिया हो न दिया हो, वो मेरे लिए सब बराबर है। वोट की राजनीति मैं आज यहां करने नहीं आया।